दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे देश के भविष्य वकील साहब और वकील साहिबा, जज साहब और जज साहिबा, तो जिन लोगों को LLB करना है अवध विश्वविद्यालय से, फ्यूचर के बहुत अच्छे वकील और जज बनने वाले हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों कि अवध विश्वविद्यालय में 2023 इंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे किस तरीके से पूछे गए थे, एक बहुत ही शॉर्ट हम वहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप सभी वकील साहब वकील साहिबा का ज़रा सोचो ना, मतलब जब काला कोट लगेगा और वकालत करेंगे आप लोग, वाह कितना अच्छा प्रोफेशन है। मैं इस प्रोफेशन को बहुत अच्छा लाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप एक देश के बहुत अच्छे वकील साहब वकील साहिबा बनेंगे, वकील बनेंगे सिंपल सी बात है, और आप लोगों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। अगर मेरा कुछ मामला आता है तो ज़रा सेटलमेंट कर लेना, फीस वीस कम लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, प्यारे एडवोकेट्स, फ्यूचर एडवोकेट, फ्यूचर जजेस, इस वीडियो को हम शुरू करेंगे और हम देखेंगे अवध विश्वविद्यालय में 2023 इंट्रेंस एग्जाम्स के लिए LLB का क्या सिलेबस है और क्या पेपर्स में पूछे गए हैं पिछले साल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में क्या सवाल पूछे गए हैं, उसको भी एक थोड़ी सी शॉर्ट चर्चा करेंगे। सो बिना किसी देरी के, थोड़ा सा डर लग रहा है आप लोगों से, नहीं डर की बात नहीं है, शुरू करते हैं इस वीडियो को, चलिए। सो देखिए योर ऑनर, ये हमारा अवध विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है, और अगर लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है बच्चों कि इस बार के जो एडमिशन्स 2023 होने वाले हैं, अगर आप उसका यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे, देखिए सिलेबस कहाँ गया, ये रहा सिलेबस इंस्ट्रक्शन फॉर इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट 2023। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं बच्चों, आपको ये ओपन नहीं हो रहा। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ये जो है बच्चों ये 2022 का सिलेबस है, ठीक है, 2022 इंट्रेंस टेस्ट में हुआ था, और संभवतः इस बार भी सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं 2022 का सिलेबस दिखाता हूँ, यकीन माने लगभग सेम ही होने वाला है आपके MEd LLB। तो मैं यहाँ पे LLB 3 साल के कोर्सेज के दिखाऊंगा, चलो LLM का भी दिखा देता हूँ, LLM का भी दिखा दूंगा, ठीक है आप। तो देखिए सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस था जो पिछले साल के एंट्रेंस एग्जाम में था, वो क्या था कि इंट्रेंस टर्म MCQ बेस्ड पे होता, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस थे, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का पेपर था, सभी 1 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, द नंबर ऑफ द क्वेश्चन सिलेबस इंट्रेंस अबव द प्रोमिस। अब सिलेबस किस प्रकार था, तो देखा आपने MCQ बेस्ड था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 3 घंटे का पेपर था, और LLB में 100 क्वेश्चन होते हैं। LLB में कितने क्वेश्चन होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, 100 क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको पहले सिलेबस दिखा दूँ दोस्तों, LLM का ये सिलेबस है, ठीक है, LLM का, जिनको मास्टर्ड करना है लॉ से उनके लिए सिलेबस देख लीजिए, और जिन बच्चों को LLB ग्रेजुएशन करना है लॉ से उनका सिलेबस ये है, ठीक है। तो LLM वाले अगर कोई बच्चा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी LLB वाले को मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए LLB 3 साल के लिए आपके एंट्रेंस एग्जाम्स का क्या था, पहला इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी लैंग्वेज से प्रश्न पूछे गए थे, कॉम्प्रहेंशन था, और एनालिटिकल एबिलिटीज़ जैसे जिसको तार्किक क्षमता, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यही तो लॉ के बारे में बताता है, लीगल अवेयरनेस कि आपको लीगली कितना अवेयर हैं आप कितने जानते हैं लॉ के बारे में, इंडियन पॉलिटी आपके पूछा गया था, और जनरल नॉलेज सवाल आपसे पूछे गए थे। तो ये है कंप्लीट सिलेबस बच्चों, और इससे टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे LLB इंट्रेंस एग्जाम्स 2022 में, और संभवतः 2023 में भी LLB इंट्रेंस एग्जाम अवध विश्वविद्यालय में इसी सिलेबस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो चलिए हम चलते हैं, देख लेते हैं कि पिछले साल कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। नहीं नहीं इजाज़त लेना पड़ता है भाई, वकील साहब हैं आप लोग, नहीं पूछना पड़ता है भाई, ज़रूरी है। तो हम आ जाते हैं LLB पे, ठीक है। तो ये है आपका LLB का एंट्रेंस एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर, 22 में आपसे पूछा गया था, बिल्कुल आप देख लीजिए इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट 2022, और मैं बिल्कुल अवध विश्वविद्यालय का ही है, आप निश्चित हो सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे साफ लिखा है बच्चों अधिकतम अंक 100 नंबर, टाइमिंग 3 घंटे का है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखे गए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया जाए, चलिए वेरी शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, ताकि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वकील साहब लोग को भाई वो क्लियर रहना है, क्योंकि उनको बहस करना है। तो इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न दिए गए, अच्छा प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक 1 अंक है, ABCD विकल्प में जिसमें से किसी एक को चयन करना, वो कह रहे हैं कि OMR उत्तर प्रश्न नीले या काले
बॉल पेन से भरना है। उत्तर पुस्तिका के अंदर कुछ भी ना लिखें, रफ कार्य हेतु उन्हीं स्थानों पर किया जाए जहाँ पर प्रश्न निर्धारित हो। उत्तर पत्र ओवल्स को भरने से पूर्व ध्यान से पढ़ें और परीक्षा संपादित। ये बस ये आप लोगों को समझने की, आप तो वकील हैं भाई। चलिए ये है आपका 2022 का एंट्रेंस एग्जाम्स का आपका पेपर जो 2022 में आया था। अब देख लेते हैं टोटल सवाल कितने पूछे गए थे, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। टोटल सवाल की अगर हम बात कर लेते तो आप लास्ट पेज पे आएंगे तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा था कि आपके टोटल कहाँ गया। अच्छा ये रफ कार्य के लिए, देखिए नीचे आपको रफ कार्य के लिए जगह दिया गया था। तो आप देख सकते हैं बच्चों टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे, करेक्ट। टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे। आपका 100 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि चीन की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। अब मुझे तो नहीं पता लेकिन अगर आपको पता हो तो बताएं चीन की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इस प्रकार से ये जीके का सवाल आपसे पूछा गया था। हालांकि इसका सही उत्तर होगा ली योंग या लीना या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे जबकि इसका सही उत्तर क्या होगा, लियू योंग, ये इसका सही उत्तर, ठीक है। अब आइए इसके ऊपर चलते हैं। मैं पूरा क्या चाहते हैं आप, मैं पूरा डिस्कस करूं, अगर समय है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, त्रिवेंद्रम, नई दिल्ली, बेंगलुरु या अहमदाबाद। इस सवाल का आप जवाब दें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ओके इसरो की बात की जाएगी, ये लड़का कह रहा है बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए देश में पर्यावरण विधि की समीक्षा के लिए किस समिति को गठित किया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वॉज कंस्टिट्यूटेड टू रिव्यू इन्वायरमेंटल लॉ इन द कंट्री। सुब्रमण्यम समिति, कस्तूरी रंजन समिति, माधव नायर समिति या उल्लास करण समिति। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वॉज constituted to review the environmental law in the country, बताएं जल्दी बताइए, सोचिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। 98 का सही जवाब क्या हो सकता है कि देश की पर्यावरण विधि की समीक्षा हेतु किस समिति को गठित किया गया था, और इसका सही जवाब होता है, बिल्कुल इसका सही जवाब होता है सुब्रमण्यम समिति। बहुत अच्छा, वाह आप तो बहुत मजे से पेपर कर रहे हैं। व्हाइट पेपर क्या है, व्हाट इज व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर क्या है, नीतिगत मामलों पर सरकार का विचार, द गवर्नमेंट स्टेटमेंट ऑन द पॉलिसीज मैटर, प्रिंटिंग के लिए सरकारी पेपर, नोटों की छपाई में प्रयोग के लिए पेपर, या वह पेपर जिस पर न्यायाधीश किसी की मौत की सजा लिखते हैं। ओके पेपर ऑन विच जज गिव्स ऑन अ डेथ सेंटेंस। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर गाइस, मतलब वाइट पेपर क्या होता है, 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा, द कंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट स्टेटमेंट ऑन द पॉलिसीज मैटर, नीतिगत मामलों पर सरकार का विचार। सो यही सही जवाब है, नीतिगत मामलों पे सरकार का विचार वाइट पेपर होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जितना लॉ के बारे में होता है मुझे नहीं पता तो ये चीज़ें क्यों होती। मेरा एक दोस्त है लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं, सैफ नाम है उनका, सैफ द लॉ मैन। सो मैं कभी उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा कि सैफ आप आइए ज़रा इन चीज़ों को एक्सप्लेन करिए और बताइए। उनका अच्छा एक्सपीरियंस भी है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कई लोगों को उन्होंने बेल कराया है। सो मैं उनको किसी दिन बुलाऊंगा अपने वीडियोस में और कहूंगा कि आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनटीपीसी क्या है, ये तो अच्छा सवाल है। एनटीपीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल टेक्सटाइल प्रोडक्शन काउंसिल, द नेशनल ट्रांसपोर्ट पावर कॉरपोरेशन, द नेशनल ट्रेड प्रोटेक्शन काउंसिल, द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो 96 का आंसर क्या होगा, क्या होगा बच्चों, देखिए टेक्सटाइल से रिलेटेड नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ट्रेड से रिलेटेड नहीं, द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी का सही जवाब हो गया 96 का, ये बिकॉज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या चाहते हैं आप, मैं पूरा डिस्कस करूँ, पूरा मैं डिस्कस कराइए। मैं अभी 25 डिस्कस कर लेता हूँ फिर अगली वीडियो में डिस्कस करूँ क्योंकि इसमें तो मैं सिलेबस के लिए आया था। अच्छा वायु की गति को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ वाइंड, अल्टीमीटर, एनोमीटर, क्रोनोमीटर या डेसीमीटर, बताओ। अच्छा प्रश्न है, कई बार बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वायु की गति द स्पीड ऑफ वाइंड किससे नापा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा,
एनोमीटर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, एनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा वाओ, अच्छा प्रश्न, कौन सा धार्मिक ग्रंथ विश्व की सबसे पुरानी ग्रंथ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक ऑफ द वर्ल्ड? ऋग्वेद, कुरान, बाइबल या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। सो ऋग्वेद, कुरान और बाइबल या इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब, आपने निश्चित कहा कि ऋग्वेद। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस, अच्छा एक सेकेंड, चलो इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कुछ लोगों को लगता है जैसे कुरान शरीफ, तो कुरान शरीफ तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में नाजिल हुआ। उसके पहले चार और आसमानी, तीन और प्रमुख आसमानी किताबें जैसे जबूर, इंजील, तौरात उतरी, तो कुरान तो बहुत पुरानी नहीं होगी। बाइबल भी ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में उतरा, सो इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऋग्वेद। ओके, सो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा, लोकसभा के अध्यक्ष? यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि सवाल में कह रहा है कि नहीं करता है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश की तो नियुक्ति ऑब्वियस ही बात है प्रेसिडेंट जी करते हैं रेस्पेक्टिव, वायुसेना का अध्यक्ष, थल सेना के अध्यक्ष, तो किसकी नहीं करने की बात है? तो आप बताएं कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द एयरफोर्स, चीफ ऑफ द आर्मी। सो नहीं करते हैं वो, दैट वुड बी व्हाट, लोकसभा के अध्यक्ष, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिकारों में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का दिल एवं आत्मा बताया? ओ भाई, ये तो मुझे भी जानना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल और इसका दिल, हार्ट और सोल कौन सा हो सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। सो 92, विच वन क्या है? संवैधानिक अधिकार में, भारतीय अधिकारों में से आत्मा, संविधान का दिल और आत्मा, संवैधानिक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, इसको कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, क्या कहा था ये? अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है यार, दिल और आत्मा कहा था संविधान का। चलिए बच्चों अब रहने देते हैं, ठीक है 10 प्रश्न को रहने देते हैं, बाकी हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अगले वीडियो में 25-25-50 सब्सक्राइब, चलो देख लेते हैं यार क्या करेंगे, जब आपको मज़ा आ रहा है तो हमें भी मज़ा आ रहा है। देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित हुआ था? देश का पहला ड्रोन मेला प्रयागराज ही होगा, मतलब फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट ड्रोन मेला कंट्री हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एट वेयर? कुंभ का मेला हो सकता है। ठीक है, तो 91 का करेक्ट आंसर प्रयागराज, ओरछा, भोपाल या ग्वालियर। तो यहीं गलती कर जाता मैं, कि मैं मुझसे गलती हो जाती, क्योंकि इसका सही जवाब प्रयागराज नहीं है। क्या है? प्रयागराज, ओरछा, भोपाल या ग्वालियर, कौन सा देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित हुआ था? आप बताइए, बताइए कौन सा था, ये तो नहीं है, मैंने गलती बता दी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ग्वालियर, 91 का सही जवाब ग्वालियर। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? वाह वाह वाह, आपको बहुत सुकून मिला होगा। चलो विटामिन का प्रश्न आया, जो कि अच्छा प्रश्न है। 99, विच वन ऑफ द विटामिन इज प्रोवाइडेड बाई सनलाइट टू द बॉडी? सो विच वन, 90 का आंसर क्या होगा? 19 का, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए, बताइए, योर ऑनर, यू आर गोइंग टू बी रेस्पेक्टेड वकील एंड लॉयर एंड जजेस, सो द ऑनरेबल जजेस एंड ऑनरेबल एडवोकेट, कुड यू प्लीज टेल मी, सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन से विटामिन प्राप्त होती हैं? द करेक्ट आंसर विल बी विटामिन डी, विटामिन, विटामिन कहते हैं कुछ, विटामिन कहते हैं, करेक्ट, हमें उसमें नहीं पढ़ना है। लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अच्छा ये देखिए, ये आ गया तार्किक प्रश्न आ गया, कह रहा है कि अगर कोड की भाषा में पॉन्ड को आर एस टी है, मतलब पी ओ एन डी को आर एस टी लिखते हैं, तो एच ई आर को क्या लिखेंगे? अच्छा पी के बाद क्या लिखा है? आर लिखा है, मतलब पी क्यू आर, एक गैप करके, पी के बाद एक गैप करके आर लिख दिया है, ओ एम एन पी क्यू आर एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ओ के बाद एस लिख दिया, ओ एम एन ओ पी, ओ एम एन ओ पी क्यू आर, तीन को ड्रॉप कर दिया, मतलब इस तरीके से, एन के बाद टी लिख दिया, डी के बाद एल लिख दिया,
तो इस तरीके से हियर को आप क्या कहेंगे, एच ई आर को आप क्या लिखेंगे, ये थोड़ा सा तार्किक प्रश्न है, यहाँ पे करना पड़ेगा। सो लेट्स कम टू द आंसर। 89 का आंसर क्या होगा, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको वीडियो कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर आप कमेंट करिएगा। सो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अच्छा चलो बता देता हूँ, 89 का करेक्ट आंसर होगा, 89 का करेक्ट एच आई जी एच, ठीक है। अब देख लीजिए, पी के बाद आर है ना, पी के बाद एमएनपी क्यू आर, एक गैप किया है, तो एच के बाद एच एफ जी एच आई जे, जे से स्टार्ट होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में से कोई होगा। चलिए ओ के बाद देख लेते हो एस एम एन ओ पी, एम ओ पी, ओ के बाद पी क्यू आर, तीन को ड्रॉप करके एस लिखा है, ठीक है। तो ई को ई के बाद तीन ड्रॉप करना है, एफ सी डी ई एफ जी एच, इनको ड्रॉप कर देना है, एफ सी डी ई एफ जी एच आई, आई होगा ना तीन, जैसे ई के बाद तीन ड्रॉप करना है, ई के बाद एफ जी एच, तीन ड्रॉप करने के बाद आई आएगा, तो आई कहाँ पे आया, एच आई, ये वाला सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे कैसे बताएं कि तू, ये देखिए, 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 पेड़ काटते हैं, यदि उसमें से 8 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं तो 32 व्यक्ति के द्वारा 12 घंटे में कितने पेड़ काटे, ये तार्किक प्रश्न है, इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली करना पड़ेगा, तो आप इसको स्वयं करेंगे। बाकी मैं अगले वीडियो में जब मैं, क्योंकि मैं एक बार खुद, क्योंकि बैठ के यहाँ सॉल्व करूँ, तो एक बार फिर से सॉल्व करूँगा, फिर आपके पास आऊँगा, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। चलिए, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया हिस्ट्री से रिलेटेड, और यहाँ पे पूछा गया कि किसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत के मुगल शासन को स्थापित किया, इब्राहिम लोदी को हराकर प्रथम मुगल शासन जिसने स्थापित किया, बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, इनमें से कोई नहीं। हु डिफेंडेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन द इंडिया, हु वॉज दैट, कौन है, कौन था रसोड़े में, कौन था राक्षसी वो। सो बाबर, हुमायूं, अकबर, इनमें से नहीं, कौन था। सो सही जवाब हो जाएगा, कौन कब, बाबर, चलिए बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये तो आप ऐसा करता हूँ कि ऑनरेबल एडवोकेट्स एंड जजेस आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट, 86 का फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार, यू ऑल आर इंडिपेंडेंट, ये है, कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता, कोई आपके ऊपर राजा नहीं है, सो ये तो है, समानता का अधिकार, सभी समान है, ये भी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये तो दिल है, देखा आपने संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, ये दिल है, आत्मा है, तो संपत्ति का अधिकार, ये संवैधानिक, ये मौलिक अधिकारों में से नहीं है, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं, दीज थ्री आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, वाह मेरी इंग्लिश देख रहे हो। अच्छा, ये दंड संहिता आईपीसी की कुछ बात होगी ना, आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860s, हु इज द एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूपण से संबंधित कौन है, 1860 में लॉर्ड मेकाले, नहीं लॉर्ड मेकाले कब आया था, लॉर्ड मेकाले 1834 में आया था, 34 के बाद आया था सही, मतलब उस समय आया था, डी एफ मुल्ला, सर हेनरी मैन, लॉर्ड डैनी, सो विच वन, 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेकाले, ओके, हाँ 85 के बाद आते हैं, सॉरी 1834 के बाद आते हैं लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले बहुत बड़ा कानूनी सलाहकार था भाई, उफ वाह वाह वाह, लेकिन मतलब ये लॉर्ड मेकाले को ना लोग रेस्पेक्ट से, इन सेंस ये ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को थोपा था, तो लॉर्ड मेकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक माना जाता है, मतलब सर्च करोगे कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, सो विल गेट लॉर्ड मेकाले, इसका लॉर्ड बेबिंगटन ऐसा कुछ नाम था, सो इन्होंने भारतीय भाषाओं की बहुत निंदा करी थी, इन्होंने कहा था कि भारत और अरब के, ध्यान से देखना क्या कहता, कह रहा था कि भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य अंग्रेज के, अंग्रेजी साहित्य के लाइब्रेरी के एक सेल के बराबर है, मतलब ऐसे इन्होंने निंदा करी थी, और कहता कि भारत की भाषाएँ मरणासन पे, बहुत उल्टा सीधा बोला था इसने, चलिए हटाइए इसके बारे में क्या ही अपना समय खराब करें। जो व्यक्ति अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं, आ हा, ये तो मेरे दोस्त की याद आ गई, सॉरी यार, हु इज द अनएबल टू पे वंस डेब्ट इज कॉल्ड, हु इज अनएबल टू पे वंस डेब्ट इज कॉल्ड, जो ऋणों की भुगतान नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं, दिवालिया, कर्जदार, ऋणदाता या अवैध, कानूनी भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दिवालिया, दिवालिया घोषित हो जाता, क्या 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 नाम है उनका, अरे वो जो किंग फिशर वाले भाग गए, विजय माल्या, विजय माल्या, चलिए
सो दिवालिया कहा जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अरे यार कितना सवाल हो गया आज। अब सेम फिर से यही सवाल आ रहा है कि अगर इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सॉइल को क्या लिखेंगे। अच्छा देख लेते हैं क्या कोई मैच कर रहा है क्या। एक दो तीन चौथे नंबर पे एस है, तो एक दो तीन चौथे नंबर पे एन है, मतलब पहला एन से शुरू होगा, यानी कि ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है देखो कैसे मैंने किया इसको, ज़रा आप समझ लीजिए। एन की जगह पे क्या लिखा, सॉरी एस की जगह पे क्या लिखा है, एन लिखा है ना, तो यानी कि यहाँ पे एस की जगह पे एन होगा, इन दोनों में इसको ही होगा। अब ओ की जगह पे क्या है, एक एक दो, दूसरे नंबर पे ओ है तो दूसरे नंबर पे ई है, ई होगा यानी कि यहाँ पे ई है। आई आई है यहाँ पे, आई यहाँ पे बीचों बीच, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, जे आई की जगह पे जे है यानी कि एन ई जे, ये बी नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है अब आइए, इनमें से निम्न में से किस दिन और किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर अस्तित्व में आया था। ओके सो द चार्टर ऑफ द यूएनओ केम टू एग्जिस्टेंस ऑन विच डे। मुझे भी नहीं पता, मुझे कैसे पता रहेगा, नॉट द स्टूडेंट ऑफ द लॉ। फरवरी 11 फरवरी 1945, 24 फरवरी 1945, 15 अगस्त 1947 या 25 जून 1945। द क्वेश्चन नंबर 82 इज कि कौन से डे एग्जिस्टेंस में आया था। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, आई डोंट नो। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, 24 अक्टूबर 1945। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर्ड अस्तित्व में आया था। ये बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया। चलिए क्या प्रश्न आ गया, ये प्रश्न आ गया आपसे, निम्न परिस्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है, कब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, चलो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, इनमें से कोई नहीं। सो ये तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। द क्वेश्चन नंबर 81 इज द विच वन ऑफ द सिचुएशन डज स्कॉलर इक्लिप्स ऑकर्ड, कब होता है भैया। 81 में, 81 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब चांद जो है ना, चांद जब है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब यहाँ पे सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है अपने चांद को कहिए कि इनके बीच में ना आया करें। मैं वो चांद जिसका, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1192 AD में लड़ा गया था। विच वन ऑफ द बैटल्स वॉज फॉट इन 1192 AD, ताइरान का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। सो विच वन, कौन सा लड़ा गया था, 80 80 80 नंबर का सवाल है, कौन सा युद्ध लड़ा गया था। हाँ चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ताइरान का युद्ध। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। ठीक है और भी सारे प्रश्न हैं, अकबर वयस्क यार और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम इसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप बता सकते हैं। देखिए 100 टोटल प्रश्न पूछे गए थे, मैं इसका PDF भी आपको भेज दूंगा। ऊपर अगर आप आएंगे तो ऊपर आपको मैथ्स के प्रॉब्लम मिलेंगे, यहाँ पे मैथ्स के प्रॉब्लम यहाँ पे मिलेंगे, अनुपात वाले या फिर भाग दीजिए मैथ्स के भी प्रॉब्लम ऊपर आपको मिलेंगे। ठीक है ये वाले इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेगा, तो हम यहाँ पे करेंगे। ओके सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारे सवाल भी किया जाएगा। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और ऑनरेबल जजेस एंड एडवोकेट्स आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और मेरे खिलाफ कोई केस वेस नहीं करना आप लोग, मेरी कोई केस हो तो संभाल लेना, फीस वीस में थोड़ा सा देख लेना। ठीक है चलो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद जय भारत साथियों।